कीव द्वारा अधिक सैन्य नेताओं को बदलने के बीच रूस ने यूक्रेन पर 45 ड्रोनों की बमबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने रविवार को 5.5 घंटे की बमबारी में यूक्रेन पर 45 ड्रोन लॉन्च किए, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल में फेरबदल जारी रखा क्योंकि युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक बयान में यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि उसने देश की राजधानी कीव के बाहरी इलाके सहित 9 अलग अलग क्षेत्रों में ईरान निर्मित 40 शहीद ड्रोनों को मार गिराया है। यूक्रेन के दक्षिणी रक्षा बलों के अधिकारियों ने टेलीग्राम पर लिखा, हमले में कृषि सुविधाओं और तटीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि माइकोलाइव क्षेत्र में एक हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, आग लग गई और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा। क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही लिसाक ने कहा कि यूक्रेन के निप्रोपेट्रोस्क क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया जब नष्ट हुए ड्रोन से गिरे मलबे के कारण आग लग गई। मोल्डोवा में सीमा पुलिस ने रविवार को यह भी कहा कि शहीद प्रकार के ड्रोन के टुकड़े यूक्रेन की सीमा के करीब दक्षिणी शहर इतुलिया के पास पाए गए, लेकिन मलबे से आसपास के समुदायों को कोई खतरा नहीं है। सीमा पुलिस ने यूक्रेन के इज़मेल क्षेत्र पर रूसी बलों द्वारा शुक्रवार को रात भर शुरू किए गए हमलों का संदर्भ देते हुए एक बयान में कहा, संदेह है कि पाया गया ड्रोन मलबा यूक्रेनी विमान भेदी प्रणाली द्वारा मार गिराए गए ड्रोनों में से एक है। कौवा उड़ते समय एटुलिया और इज़मेल के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर 25 मील है। अधिकारियों ने कहा कि प्रभाव स्थल तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। मोल्दोवन के राष्ट्रपति मैया संधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यूक्रेन पर रूस का युद्ध मोल्दोवा में घर के करीब पहुंच गया है फिर से। उन्होंने कहा, आज दक्षिणी मोल्दोवा में शहीद ड्रोन के मलबे की खोज हमारे सामने आने वाली गंभीर वास्तविकता की एक और कड़ी याद दिलाती है। रूस की आक्रामकता पूरे महाद्वीप को खतरे में डालती है। यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रहना चाहिए। ये हमले तब हुए हैं जब ज़ेलेंस्की ने रूसी सेनाओं पर हमला करने के खिलाफ गति बनाए रखने के लिए सैन्य कमांडरों में बदलाव जारी रखा है। कीव ने रविवार को घोषणा की कि पूर्व उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर पावल्यूक यूक्रेन की जमीनी सेना के नए कमांडर बनेंगे। यह पद पहले कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की के पास था, जिन्हें गुरुवार को यूक्रेन के निवर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल वलेरी ज़ालुज़्नी के प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया गया था। नए राष्ट्रपति के आदेशों में यूक्रेन के समुद्री कोर के पूर्व प्रमुख यूरी सोडोल को भी यूक्रेन की संयुक्त सेना के नए कमांडर के रूप में नामित किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल इहोर स्किब्यूक यूक्रेन के हवाई हमले बलों के कमांडर के रूप में और मेजर जनरल इहोर प्लाहुता को यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। आने वाले कमांडर इन चीफ सिरस्की ने संकेत दिया है कि उनके तात्कालिक लक्ष्यों में अग्रिम पंक्ति में सैन्य रोटेशन में सुधार करना और नई तकनीक की शक्ति का उपयोग करना शामिल है, जब कीव की सेनाएं बड़े पैमाने पर रक्षात्मक है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने रविवार को कहा कि हमलावर रूसी सेना को अपने हमले में सहायता के लिए स्टारलिंक टर्मिनलों का उपयोग करते हुए पाया गया है। इसने सबूत के तौर पर दो रूसी सैनिकों के बीच पकड़ी गई बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी की। स्टारलिंक टर्मिनल, जो उच्च गति संचार प्रदान करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा संचालित उपग्रहों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं, यूक्रेन की सेना को हमलावर रूसी सैनिकों पर बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल के हफ्तों में रूसी सैनिकों द्वारा कब्जे वाले यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर स्टारलिंक का उपयोग करने की कई रिपोर्टें यूक्रेनी मीडिया में सामने आने लगी थी। उन्होंने स्पेस एक्स को 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कहा गया कि उसने रूसी सरकार या उसकी सेना के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया। हालांकि पश्चिमी तकनीकी घटक नियमित रूप से रूस के शस्त्रागार में पाए गए हैं, क्योंकि मॉस्को प्रतिबंधों से बचने में अधिक कुशल हो गया है, अक्सर तीसरे देशों के माध्यम से सामान आयात करता है। शनिवार को टेलीग्राम पर एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अनुभवी लड़ाकू कमांडरों के साथ यूक्रेन के सशस्त्र बलों के ऊपरी स्तरों को रिबूट करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, अब जो लोग सेना में जाने माने हैं और जो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि सेना को क्या चाहिए, वे नई जिम्मेदारियां ले रहे हैं।
यूक्रेन के नए सेना प्रमुख ने नई गति का संकेत दिया है, लेकिन रास्ते में बड़ी समस्याएं खड़ी है। यूक्रेन के नए सैन्य प्रमुख ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह नई गति का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका तात्कालिक लक्ष्य अग्रिम मोर्चों पर सैन्य रोटेशन में सुधार करना और नई तकनीक की शक्ति का उपयोग करना है, ऐसे समय में जब कीव की सेनाएं युद्ध में बड़े पैमाने पर रक्षात्मक है। रूस कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की, जो पहले यूक्रेन की ज़मीनी सेना के कमांडर थे, ने राष्ट्रपति वलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा उन्हें युद्ध के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने की ओर अग्रसर होने के साथ युद्ध क्षेत्र अभियान का प्रभारी नियुक्त करने के एक दिन बाद बात की। उन्होंने व्यापक रूप से लोकप्रिय जनरल वलेरी ज़ालुज़्नी का स्थान लिया।